तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से किसी भी आईफोन में या किसी भी आईपैड में सॉन्ग्स को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो और आप उस फीचर को कहाँ कहाँ और किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले ये फीचर आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के अंदर मिल जाएगा। अगर ये फीचर कंट्रोल सेंटर के अंदर नहीं है, ये ऑप्शन कंट्रोल सेंटर के अंदर नहीं है, तो आप सिंपली इस ऑप्शन को कंट्रोल सेंटर में ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको वहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर में जाना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको म्यूज़िक रिकॉग्निशन का ऑप्शन यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। मोर कंट्रोल्स के अंदर सिंपली आपको यहाँ पे ऐड के आइकन पे टैप करना है और ये फीचर यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के अंदर वो फीचर, वो ऑप्शन आ जाएगा। इस फीचर को कैसे यूज़ करना है? ओके, सिंपली यहाँ पे ओके, फॉर एग्जांपल एक कोई भी सॉन्ग बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है। मुझे पता नहीं बेसिकली ये सॉन्ग कौन सा है, लेकिन मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगा है, मुझे इस सॉन्ग को अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करना है। तो सिंपली मैं करता क्या हूँ कि ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ, उस सॉन्ग के लिरिक्स को सर्च करता हूँ, फिर बाद में म्यूज़िक प्लेयर में जाता हूँ, वहाँ पे उस सॉन्ग को सर्च करता हूँ और फिर अपने प्लेलिस्ट में ऐड करता हूँ। तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी सिंपली ओके, फॉर एग्जांपल एक सॉन्ग बैकग्राउंड में आपके सराउंडिंग में प्ले हो रहा है, इसे आइडेंटिफाई आप सिंपली यहाँ पे शज़ाम पे टैप करना होगा उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं शज़ाम म्यूज़िक रिकॉग्निशन ऑन और कुछ इस तरह से ये सॉन्ग रिकॉग्नाइज हो जाएगा। बस 4 से 5 सेकंड के अंदर ये सॉन्ग रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ओके ओके, इस फीचर को और कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो? ओके, फॉर एग्जांपल आप रील देख रहे हो, एक रील वॉच कर रहे हो, उसकी उसके अंदर जो सॉन्ग प्ले हो रहा है उसे आपको आपके प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो बेसिकली आप करते क्या हो, मतलब जो आप रील देख रहे हो आप वो छोड़ के म्यूज़िक में जाते हो, वहाँ पे उस सॉन्ग को सर्च करते हो और फिर ऐड करते हो। इतना मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल आप रील वॉच कर रहे हो, आप वहीं पे शज़ाम को ऑन कर सकते हो और वो रील में जो सॉन्ग प्ले हो रहा है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और आपके नोटिफिकेशन के अंदर आ जाएगा। ओके, गलती से अगर आपके हाथ से वो नोटिफिकेशन क्लियर हो जाए तो ओके, मतलब वो हमेशा के लिए क्लियर नहीं हो जाएगी। ओके, तो उसे उस सॉन्ग को ओके वापस देखने के लिए, वो सॉन्ग जो आपने आइडेंटिफाई किया है उस सॉन्ग को मतलब ढूंढने के लिए सिंपली आपको वापस कंट्रोल सेंटर में आना है और आपको यहाँ पे शज़ाम पे टैप एंड होल्ड करना है कुछ इस तरह से। तो जितने भी सॉन्ग्स आपने रिकॉग्नाइज या फिर आइडेंटिफाई किए हैं उन सारे सॉन्ग्स की हिस्ट्री यहाँ पे आपको शज़ाम पे जब आप टैप एंड होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको उन सारे सॉन्ग्स की हिस्ट्री मिल जाएगी और आप यहाँ से मतलब बेसिकली उस हिस्ट्री को वापस मतलब क्लियर भी कर सकते हो और यहीं से आप उस सॉन्ग को वापस मतलब यहाँ पे टैप करके, यहाँ पे जब आप टैप करोगे तो वो आपके म्यूज़िक में जाएगा और वहाँ पे आप फिर वहाँ से मतलब कभी भी बाद में उस सॉन्ग को आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो। ओके, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कुछ ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।